हेलो अवरीवन टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन के लॉज क्या हैं हमने लाइट <coughs> को स्टडी किया फिर मिरर को स्टडी किया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को भी स्टडी किया अब हम देखेंगे लाइट क्या रिफ्लेक्शन के लॉज क्या लॉज हैं लेट्स स्टार्ट सी दिस इज द फर्स्ट लॉ देर आर मेनली टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सो फर्स्ट लॉ इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. वॉट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस? द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विथ नॉर्मल हम स्टडी कर चुके हैं एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे विथ नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंट्स को हम कहेंगे आपतन कौन एंड रिफ्लेक्शन को कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को परावर्तन कौन तो क्या है ए, देखते दिस इज अ प्लेन मिरर दिस इज अ रिफ्लेक्टिंग ऑपेक्ट साइड एंड दिस इज अ रिफ्लेक्टिंग साइड देखिए इंसिडेंट रे इज फॉल ऑन मिररर मिररर पर इंसीडेंट हुए पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से वो क्या होंगे रिफ्लेक्ट होंगे दिस इज अ इंसीडेंट रे एंड दिस इज अ रिफ्लेक्टेड रे और हमने यहाँ पर नॉर्मल भी ड्रॉ किया है दिस इज अर्मल नॉर्मल्स मीन्स आपको पता है राइट एंगल परपेंडिकुलरिटी नाइंटी डिग्री नॉर्मल ये सब एक ही वर्ड है आई I मीन mean, उसका मीनिंग एक ही है नॉर्मल मीन्स नाइन्टी डिग्री तो रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो इंसिडेंस एंगल जितना होगा उतना ही रिफ्लेक्शन एंगल होगा यानी कि सपोज इंसिडेंस एंगल इज ट्वेंटी डिग्री देन रिफ्लेक्शन एंगल इज आल्सो ट्वेंटी डिग्री आर इज ऑलवेज इक्वल्स टू आर कैसे देखते कंसिडर कीजिए सपोज हमने इंसिडेंट एंगल को कम किया यहाँ से तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी क्या होगा मुंह होगा यानी कि ओ भी उसमें भी चेंज आएगा तो ये है फर्स्ट लॉ फर्स्ट लॉ क्या है आई इज ऑलवेज इक्वल्स टू आर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ आर और आपको परपेंडिलर परपेंडिकुलर कैसे बनाना है देखिए अगर ये कुछ एंगल ऐसा है यहाँ से एंगल आ रहा है आपका इंसिडेंट रे सपोज ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है तो आपका परपेंडिकुलर कैसे बनेगा ऐसे बनेगा जो कि आई और आई को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा आई और आर को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा सो दिस इज द फर्स्ट लॉ इट्स अ वेरी सिंपल एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपको ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज आएगा जो एंगल इंसिडेंट एंगल जितना होगा उतना ही रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड एंगल मतलब दोनों का मेजरमेंट एक ही होगा देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आई इक्वल्स टू आर दिस इज द फर्स्ट लॉ एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आई जितना होगा उतना ही आर होगा अगर आई को हमने कम किया तो आर भी उतना ही कम होगा जैसे जैसे चेंज आएगा वैसे आर में भी चेंज आएगा आई आए को जिस तरह चेंज करेंगे हम उसी तरह आर में भी चेंजेस आएंगे देखिए इस तरह में जो बना रही हूँ दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वॉट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर सो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर होमवर्क इज वॉट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वॉट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड ड्रॉ द रे डायग्राम रे डायग्राम भी आपको ड्रॉ करनी एंड सेकेंड लॉ देखिए इट्स अ वेरी इजी सेकेंड लॉ क्या है द इंसिडेंट रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट्स एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन अ सेम प्लेन इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन अ सेम प्लेन ये तीनों इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ये तीनों भी एक ही प्लेन में लाई करेंगे एक ही प्लेन में लाई करेंगे मीन्स सपोज अगर हमने इसको हमने नोटबुक में या फिर पेपर में बनाया कंसिडर कीजिए दिस इज अव पेज और नोटबुक नोटबुक में हमने उसे ड्रॉ किया है तो ये क्या है एक ही प्लेन में लाई करते हैं तो ये होगा एक प्लेन ये है एक प्लेन तो दिस इज अ फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइन इन अ सेम प्लेन देखिए अगर ये एक प्लेन में लाई कैसे नहीं होंगे मतलब ये हो ही नहीं सकता ये तीनों भी एक ही प्लेन में लाई करते है देखिए इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइन अ सेम प्लेन सपोज हमने इसको नोटबुक पे पेज पे बनाया तो कभी आपका ऐसा होगा क्या इंसीडेंट इस तरह आ रही है और रिफ्लेक्टेड रे इसके बाहर जा रही है यानी कि प्लेन के बाहर जा रही है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कभी नहीं होगा इंसिडेंट रे जिस प्लेन में आई है उसी प्लेन में रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्ट होगी वो इस तरह नहीं आएगी वायोलेट्स द सेकेंड लॉ यानी कि वो सेकेंड लॉ प्रूव नहीं करेगी यानी कि वो ये हो नहीं सकता जिस प्लेन में इंसिडेंट रे आती है उसी प्लेन में रिफ्लेक्टेड रे भी रिफ्लेक्ट होती है दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सो सेकेंड क्वेश्चन फॉर होमवर्क इज वॉट इज द सेकेंड लॉ ऑफ लॉज ऑफ़ रिफ्लेक्शन व्हाट इज़ द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन का सेकेंड लॉ क्या है देखिए ये तो हो गए फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ आई होप आप उससे समझ भी गए होंगे लेकिन कोई केस में अगर ऐसा हो कोई इंसिडेंट रहे ही नहीं है यानी कि नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे देखिए इस केस में इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल कोइंसाइड दिस इज ए नॉर्मल एंड ऑल्सो दिस इज इंसिडेंट रे नॉर्मल जिस जहाँ पे वहीं से इंसिडेंट रे आ रही तो उस केस में रिफ्लेक्टेड रे कितना होगा तो पहले लॉ के हमने देखा था एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो देखिए इस केस में क्या होगा अगर इंसिडेंट रे नॉर्मल को कोइंसाइड करती है यानी कि एक ही दिस इज द इंसिडेंट रे तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्या होगी उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करेगी यानी कि वहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है ज़ीरो तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा ज़ीरो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फर्स्ट लॉ क्या था आई इक्वल्स टू आर तो इस केस में आई भी ज़ीरो होगा एंड आर भी ज़ीरो होगा एक स्पेशल कैसे जब इंसिडेंट रेन नॉर्मल को कोइंसाइड करेगी तब एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों भी उस केस में जीरो होंगे सो दिस इज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड थर्ड क्वेश्चन फॉर द होमवर्क इज वॉट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट्स एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वेन द इंसिडेंट रे कोइंसाइड विद द नॉर्मल व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट्स एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वैन इंसिडेंट रे कोइंसाइड विद द नॉर्मल जब इंसिडेंट रे नॉर्मल को कोइंसाइड करेगी तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट्स क्या होगा ये आपको स्टडी करना है विथ ड्रॉ द रे डायग्राम रे डायग्राम को ड्रॉ करके आपको ये होमवर्क करना है सो दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आई होप स्टूडेंट्स यू आर अंडरस्टूड द टॉपिक